अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिया, हेलो प्राची। दादी। प्राची बेटा तू है कहाँ और तू रो क्यों रही है? दादी मैं दादी क्या हुआ है बेटा, बोल ना मुझे। प्राची तू कहाँ है, तू रो क्यों रही, बता ना। सब ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या वहाँ पर? सच बता प्राची, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं दादी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं अपने घर पे रणबीर के घर पे हूँ। क्या तू रणबीर के घर पर है? तू वहाँ क्या करी? वहाँ किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या प्राची? पल्लवी आंटी ने कुछ कहा। प्राची बोलना क्या हुआ है वहाँ पर? नहीं 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 मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हुआ, I'm just fine। प्राची मेरा बच्चा ये बता तू रो क्यों रही है? दादी आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं यहाँ किससे मिली? किससे? रिया से। रिया से? रिया यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। रिया मेरे सामने थी, मुझसे मिली वो, मैं मिली उससे, और मैं आपको बता नहीं पा रही उससे मिलके मुझे कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा दादी। मेरी रिया, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन रिया मेरे सामने थी। उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे माँ से गले मिल रही हूँ। माँ की बहुत याद आ गई दादी, बहुत याद आ गई। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे मिलूंगी मैं उससे, पर मैं मिली उससे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू इस पे रो क्यों रही है? तो प्लीज रो नहीं ना। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुझे कैसा लग रहा है जब कोई अपना बिछड़ जाता है और सालों बाद अचानक एकदम सामने आ जाए, तो ऐसा लगता है कि अपना वजूद फिर से मिल गया। देख तू रोएगी ना तो हम भी रोने लग जाएंगे। मैं वैसे नहीं रो रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे ना एक 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 सुकून सा मिल गया है, एक अधूरापन था जो अचानक से मिट गया है रिया के मिलने से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे, हमेशा ऐसी खुश रहे। अब जल्दी से घर वापस आ जा, तुझे गले लगाने का दिल कर रहा है, तुझे टाइट हग करने का मन कर रहा है, तो प्लीज जल्दी घर आ जा। हाँ शाहना मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने कहा था मुझे उसकी आंखों में आंसू दिख रहे, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिला कि वो आंसू खुशी के थे। राजी को इतने टाइम बाद इतना खुश देख रहे। सही कह रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई बहुत पुराना जख्म, बहुत गहरा जख्म अचानक से भर गया। अब तो पता है मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? मिलवाओगे ना अपनी चिचकी से? I'm sorry, I think मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। नहीं नहीं, it's okay. यार शायद यही जिंदगी है, शायद ऐसा ही होता है, इसे ही कहते हैं प्यार करना। हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान से प्यार होता है, लेकिन प्यार अकेला नहीं आता, प्यार के साथ आती है प्रॉब्लम्स, मुश्किलें। इंसान गलत नहीं होता यार, हालात बहुत गलत होते हैं। मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही हुआ, हालात के सामने मेरा दिल और दिमाग दोनों बेबस हो गए, और शायद फिर उसके बाद वो हुआ जो होना ही था, या शायद नहीं होना चाहिए था। ये मेरा मुद्दा ही नहीं है, मैं कहाँ भटक गया, सॉरी। मुद्दा तुम्हारा है, तुम्हें ऐसे अंदाज में प्रपोज करना है कि तुम्हारे जो दिल की बात है ना, जो तुम्हारी फीलिंग्स है, वो सीधा उसके सामने चली जाए और वो तुम्हें ऐसे हाँ बोले जैसे मेरी चिकचिकी ने मुझे हाँ किया था। सारी बात यहीं पे आके अटकती है कि मैं उसे क्या बोलूं, ऐसा क्या बोल दूं कि वो मुझे हाँ कह दे। यार मेरी ना एक प्रॉब्लम बताओ, और वो ये है कि मैं वर्ड्स को ठीक से यूज नहीं कर पाता हूँ। मतलब किस तरह से प्रपोज करना है, क्या वर्ड्स यूज करने। अरे यार बाहर रहा हूँ, हॉलीवुड मूवीज देखी, उसमें क्या होता है, हीरो घुटनों पर जाता है, अंगूठी निकालता है, लड़की को बोलता है आई लव यू, लड़की बोलती है आई लव यू टू, सीन ओवर, लड़की सेट। मुझे पता था ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन डोंट वरी,
मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण है, और अगर वो तरकीब तुमने अच्छे से इस्तेमाल कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लड़की हाँ बोल देगी। रियली? यस रियली। मुझे पता था ऐसी कोई प्रॉब्लम आने ही वाली है, तो मैं ऑलरेडी पहले से तैयार था, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं जो कर रहा था वो तुम्हारे लिए ही कर रहा था। एक मिनट, मतलब क्या कर रहे थे तुम मेरे लिए? मैं बताता हूँ, मतलब ये कि बाहर तुमने देखा मैं लाली जी से बात कर रहा था कुछ प्रोजेक्टर के बारे में, है ना? वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, वो मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। तो हम उस प्रोजेक्टर के ऊपर शायरी लिखवाएंगे जो सुन के लड़की हाँ बोल देगी। नहीं 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 भाई, ये शायरी वायरी मेरी बस की बात ही नहीं है। अरे क्यों भाई? नहीं, मैंने तेरे को बताया ना, मैं बाहर रहता हूँ लंदन में यार, वहाँ पर सिर्फ इतना होता है आई लव यू टू, दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड, बट इस बात का भी तरकीब है मेरे पास। ये जो मैं शायरी की बात कर रहा हूँ ना, वो शायरी मैंने अपनी चिची को सुनाई थी, अच्छे से याद कर गया था और उसको ऐसा सुनाया और उसने हाँ बोल दिया। हाँ बट मुझे पता है तुम्हें वर्ड्स में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी आवाज में ना इसको रिकॉर्ड कर देना, रिकॉर्डेड आवाज जब तुम्हारी वाली सुनेगी ना तो वो ऑब्वियसली हाँ बोल देगी भाई। ज्यादा सोचो मत, लेकिन कुछ नहीं करना तुम्हें, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हारे लिए शायरी जो है वो पेपर पे लिख देता हूँ। बैठो यार। दोस्त, तुम्हारी शायरी और रामबाण तैयार है, बस लास्ट में अपनी वाली का नाम बोल देना। लुक्स ग्रेट यार, प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे लगता है कि मेरी वाली मुझे मिलेगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक्स ब्रो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।